हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एंड टूर। अपने थंबल तो पढ़ लिया, ओला का सामना एथर से हुआ। मैं आपको एक शेयर करने वाला हूँ। 300 किलोमीटर मेरे ओला का कंप्लीट हो गया है और उसमें मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है और कैसे ओला को देख के पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है वो मैं बताऊँगा, और बताऊँगा कि लास्ट में एथर वाले के साथ क्या पंगा हुआ था। तो पहले बात करते हैं कि 300 किलोमीटर मेरे कंप्लीट होने के बाद मेरा एक्सपीरियंस 10 में से 9, मतलब कि वाओ, बहुत ही अच्छा रहा है दोस्तों। मैं पहले से बोल के आ रहा हूँ कि ओला की बैटरी, ओला की मोटर, ओला का हार्डवेयर बहुत ही अच्छा है। मेरे को खाली थोड़ा सॉफ्टवेयर का जो वेटिंग करवा रहे हैं कंपनी वाले, वो बहुत ही बड़ा डिसपॉइंटेड है, मतलब कि परेशान हो जाते हैं। भाई पूरा पेमेंट किया अभी तक उन्होंने, पूरा सॉफ्टवेयर नहीं दिया हमको, और उसकी थोड़ी बिल्ड क्वालिटी भी मेरे को थोड़ी पसंद नहीं है, जैसे कि एक्टिवा की होती है, जुपिटर की होती है, ऐसी बिल्ड क्वालिटी नहीं है। और परफॉर्मेंस लाजवाब रहा दोस्तों, राइड लाजवाब रही। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई ओला को छोड़ के एक्टिवा चलाओ, अभी ऐसा हो रहा है कि भाई एक्टिवा को साइड में रख देता हूँ, ओला ही चलाता हूँ मैं। और दूसरी बड़ी बात है दोस्तों, बैटरी। तो बैटरी तो मेरी बहुत ही अच्छी रही है दोस्तों। 132-133 किलोमीटर मैं आराम से ले लेता हूँ एक बार चार्ज करने के बाद। और ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान से चलाता हूँ, चलाता हूँ भाई 60, 40, 65, 70 नॉर्मल मूड पे। मैंने अभी तक स्पोर्ट्स मूड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। और दूसरी बात रही दोस्तों पब्लिक का रिएक्शन, मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ऐसे सिग्नल पे आप खड़े रहते हो ना, तो बच्चे लोगों को भी पता है भाई ये ओला है, देखो पापा ओला गए, देखो ओला गए। भाई ये खिलौना नहीं है, ये हाई स्पीड स्कूटर है। और उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ओला है। और दूसरा एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि मैं रोड पे जा रहा हूँ तो पीछे से हॉर्न मारती है फोर व्हीलर वाले, और फिर विंडो नीचे करके मेरे को बोलते हैं ब्रो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। फिर 2-3 बंदे ने को मेरे को ऐसा बोला था कि ब्रो सेम कलर मेरे पास है। और ऐसा आज भी हुआ था मेरे पास, मैं ऐसे सिग्नल पे खड़ा था, पीछे से गाड़ी वाला ने थोड़ा ऐसे इशारा किया कि भाई बहुत बढ़िया स्कूटर है। मतलब कि फील हो रहा है कि नहीं यार, हमने जो चॉइस किया है ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर में वो सही है। ये थोड़ा डिसएडवांटेज दोस्तों, इसमें सेंसर इतने ज़्यादा है कि आप पहले एक्टिवा जुपिटर जो भी चलाते होंगे उस तरह यूज़ नहीं कर सकते, रफ एंड टफ। हाँ एथर में ऐसी अच्छी बात है कि इतने सारे सेंसर्स नहीं है, इसीलिए उसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी कम आ रही है। और दोस्तों लास्ट में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एथर्स में हुआ था क्या। मैं ऐसे ऑफिस से एक पार्टी के वहाँ जा रहा था, तो रास्ते में एथर वाला मेरे को ओवरटेक करके ऐसे चला गया और पीछे मुड़ के देखा। मैंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, तो आगे ब्रेक मार के खड़ा रहा। फिर मैं उससे आगे चला गया और फिर से ओवरटेक करके चला गया, और मेरे को लगा भाई अभी ये ओला का जादू चलाना पड़ेगा। तो मैंने स्पोर्ट्स मोड पे ही था मैं, लगभग उसकी स्पीड होगी 65-70 के आसपास। मैंने भाई 90 पे उसके ओवरटेक किया भाई। फिर मैंने बोला चलो भाई धीरा करते हैं गाड़ी, थोड़ी धीरी करते हैं। मगर भाई फिर से वो ओवरटेक करके हॉर्न मार के चला गया। क्या प्रॉब्लम है भाई, एथर ओला सब इंडियन है भाई, मजे करो, अपनी गाड़ी तू चला, हमारी गाड़ी हम चला रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है उनको पता नहीं दोस्तों। फिर मेरे को लगा कि नहीं मेरे को अब हाइपर मोड पे जाना पड़ेगा। भाई हाइपर मोड पे ऐसी भगाई 4-5 मिनट, एथर पीछे देख ही नहीं मेरे को, कहाँ चली गई वो, बंदा कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं है। तो दोस्तों आपका भी एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिए प्लीज़ कॉमेंट करके, और आपको कोई प्रॉब्लम हो ओला का वो भी आप मेरे को सॉल्व कीजिए। आप भी कमेंट कीजिए आपको भी ऐसा कोई मतलब कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है रास्ते में,
तो आप भी मेरे को कमेंट करके शेयर कीजिए। और दोस्तों बहुत ही कम सब्सक्राइबर आ रहा है, पता नहीं क्या है। और दोस्तों 3 दिन से मेरा थोड़ी आवाज़ का प्रॉब्लम था, अभी सही हो गया है थोड़ा थोड़ा। और सॉरी दोस्तों आपको इतना अच्छा आवाज़ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मेरा आवाज़ भी ऐसा है, ऐसे भी थोड़ा डाउन हो गया था। तो दोस्तों सॉरी इसके लिए। और आप ज़रूर लाइक कीजिए, और मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। आपका एक्सपीरियंस मेरे को लिखिए भाई, किसके का पास ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों गाड़ी भी अच्छी है, आप ज़रूर सोच सकते हैं इसके बाइक के लिए, आप जाइए। तो दोस्तों चलो, गुड नाइट, टेक केयर। एंड हाँ, सब्सक्राइब पे बटन दबा दीजिए प्लीज़। तो बाय, टेक केयर।